तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले गोंडा के हिंदुओं ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की दे दी धमकी, मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, बोले नागरिकता संशोधन कानून को किसी कीमत पर देश में नहीं होने देंगे लागू, CAA कानून को बताया संविधान और मुस्लिम विरोधी। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले NCP नेता ने भगवान राम को बताया मांसाहारी, कहा वनवास के समय हिरण को मारकर खाते थे राम। इसराइल जाने के लिए आगरा मंडल से 402 श्रमिकों ने दी सहमति, इसराइल में मिलेंगे 1,34,000 सैलरी, योगी सरकार भेजेगी 10,000 मजदूर। गाजा पट्टी के स्कूलों में बच्चों के लिए हमास बना रहा हथियार, हथियारों से भरी मिली सुरंग तो इजरायली सेना के उड़े होश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हिंदुओं ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी, योगी सरकार ने करवा लिया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही हिंदुओं ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद योगी सरकार की नींद उड़ गई और अब योगी सरकार ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवकों को गिरफ्तार करवाया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिन युवकों ने मुसलमान नाम रखकर यानी जुबेर खान नाम रखकर राम मंदिर और योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी थी वो व्यक्ति हिंदू निकले और दोनों को योगी सरकार ने गिरफ्तार करवा लिया है और दोनों व्यक्ति गोंडा के हैं। वहीं आपको बता दें कि एक आरोपी की पहचान तारा सिंह के रूप में हुई है, दूसरे आरोपी की पहचान ओम प्रकाश मिश्रा के रूप में हुई है और इन दोनों ने ही राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, लेकिन इन्होंने मुसलमान बनकर धमकी दी थी। जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनकी पिटाई हुई और उसके बाद इन्होंने बताया कि हम हिंदू हैं और हम यहाँ के रहने वाले हैं, यानी राम मंदिर के नाम पर किस तरह से मुसलमानों पर नफरत फैलाई जा रही है और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और राम मंदिर को हिंदू ही उड़ाना चाहते हैं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बार फिर से देश में हलचल हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने राम मंदिर के उद्घाटन के तुरंत बाद पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसी मामले को लेकर अब AIMM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून संविधान विरोधी है, ये एक कानून है जो धर्म के आधार पर बनाया गया है। CAA को NPR NRC के साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए, जो इस देश में आपकी नागरिकता साबित करने के लिए शर्तें तय करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये होगा, ये घोर अन्याय होगा, खासकर मुसलमानों, दलितों और भारत के गरीबों के साथ, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि अगर CAA कानून भारत में लागू हो जाता है तो मुसलमानों को भारत से निकाला जा सकता है और इनको विदेशी घोषित किया जा सकता है और मुसलमान दोहरी नागरिकता के हकदार हो जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे और सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले NCP नेता ने राम को बताया मांसाहारी, कहा जंगलों में हिरण को मारकर खाते थे राम। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही राम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि शरद पवार वाली पार्टी NCP के नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने भगवान राम को मांसाहारी बताया है और इस पर गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि NCP नेता जितेंद्र अवार्ड ने किया है कि 14 साल जंगलों में रहकर भगवान राम ने हिरणों का शिकार किया और हिरणों का शिकार करके उन्होंने हिरण का मांस खाया और ये बात कई वेद और मंत्रों में मिली है। आगे उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम मांसाहारी नहीं होते तो वो जंगल में कैसे इतने दिन जीवित रहे, क्योंकि जब राम ने वनवास काटा था उस समय चावल भी नहीं थे और इतने ज़्यादा फल भी नहीं थे और व्यक्ति फल खाकर जिंदा 14 साल नहीं रह सकता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि NCP नेता ने भगवान राम को मांसाहारी बताया है और BJP के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ BJP ने पुलिस में शिकायत कर दी है और NCP नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपकी क्या राय दोस्तों, भगवान राम मांस खाते थे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इसराइल जाने के लिए आगरा मंडल से 402 श्रमिकों ने दी सहमति, 1,34,000 मिलेगी सैलरी।
जदू साहब को दादे की उत्तर प्रदेश के आगरा से इजराइल में रोजगार का मौका मिलने पर आगरा मंडल से 402 व शहर के 202 श्रमिकों ने सहमति दी है। प्रतिदिन विदेश में रोजगार के नाम पर श्रम विभाग के कार्यालयों पर श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आवेदन करने के बीच तक कोई आखिरी तारीख नहीं आई है। इसराइल में श्रमिकों के संकट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश से 10,000 श्रमिक इसराइल भेजे जाएंगे, जिसके लिए शहर के श्रमिक खुद आगे चलकर आ रहे हैं। इन श्रमिकों को 1,34,000 रुपये सैलरी मिलेगी। जनवरी में दिल्ली में इन श्रमिकों का जो है एक इंटरव्यू भी होगा। दरअसल आपको बता दें कि इसराइल हमास युद्ध के बीच गाजा पट्टी में इसराइल की फैक्ट्रियाँ बंद रहें और इन्हीं फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ये श्रमिक वहाँ पर जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी है हिंदुओं की पार्टी। कांग्रेस के नेता राम मंदिर के उद्घाटन में हो शामिल, उद्धव ठाकरे ने कर दी अपील। जदोसा आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस के नेताओं ने अभी तक राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने की बात तो नहीं कबूली है, लेकिन अब शिवसेना के वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टियों को हिंदू की पार्टी बताया है और कांग्रेस नेताओं से कहा है कि जिन कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता मिला है वो राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या जाकर शामिल हो, क्योंकि मुझे तो निमंत्रण मिला ही नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी राम मंदिर का निर्माण चाहते थे और उन्होंने इच्छा भी जताई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की शिवसेना नेता ने ये साफ शब्दों में बात कही है कि उनको राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होना चाहिए। अब देखते हैं कि कांग्रेस के कौन कौन नेता इसमें शामिल होंगे। सीबीत पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम केजरीवाल को आज अरेस्ट कर सकती है ईडी। आप नेताओं ने किया है बड़ा दावा। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में ईडी के तीसरे सम्मन पर भी बुधवार को पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सीएम केजरीवाल को बार बार नोटिस भेजना उन्हें गिरफ्तार करने और लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने की साजिश का हिस्सा है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ईडी गुरुवार यानी आज सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेड करेगी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा के स्कूलों में मिली गोलियां और ग्रेनेड भरी सुरंगें। इसराइल की सेना ने किया दावा, बच्चों के लिए हथियार बना रहा हमास। जदोस आपको बता दें कि इसराइल और हमास के बीच जंग 3 महीने पूरे होने वाली है। इसी बीच इजरायली सेना को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इजरायल को गाजा में बुधवार को स्कूल के अंदर एक लंबा सकरा रास्ता मिला है, इसे साफ्ट कहा जाता है। सुरंग की खोज 5वीं ब्रिगेड की लड़ाकू टीम ने की है। मैं आपको बता दें कि सुरंग की तस्वीर जारी की है, जिसमें स्कूल के अंदर विभिन्न तरह के मोर्टार, ग्रेनेड और गोलियाँ दिखाई दी हैं। खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि गाजा के स्कूलों में जो गोलियां ग्रेनेड मिले हैं उनको उनके लिए हथियार बनाने के जो सामान मिले हैं, बच्चों के लिए हथियार इसराइल इसी से बना रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग रुकवाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर की बात। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि भारत अरब वर्ल्ड में जल्द अमन बहाली चाहता है। इस बातचीत के मायने इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले भारत ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया था। ये एक लिहाज से इजराइल के खिलाफ जाना था, इजरायली सीज फायर के पक्ष में नहीं है। बातचीत के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री से अच्छी बातचीत हुई है, हमने समुद्री सुरक्षा पर भी विचार किया है, मैंने उन्हें अरब वर्ल्ड में अमन और मानवीय मदद के बारे में भारत का नजरिया बताया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी और हमास को लेकर यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल के जहाजों पर हमला कर रहे हैं और इन जहाजों को अमरीकाई बचाने में नाकाम है, और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से बात की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पहलवानों के विरोध के सामने झुकी मोदी सरकार, WFI के अध्यक्ष को किया सस्पेंड। जदों से आपको बता दें कि जब से खेल मंत्रालय ने जो है संजय सिंह को WFI का चीफ सुना, तभी से लगातार भारत के पहलवान उनका विरोध कर रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। वही आपको बता दें कि पहलवानों का विरोध अब काम आ गया है, क्योंकि पहलवानों के विरोध के सामने सरकार झुक गई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पहलवानों के विरोध को देखते हुए भारतीय कुश्ती संघ को केंद्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय ने WFI की पूरी नव
निर्वाचित टीम को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष के सभी फैसलों पर रोक लगा दी है। अब इस फैसले पर संजय सिंह, जो WFI के नए अध्यक्ष चुने गए थे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी पूरा आदेश पढ़ा नहीं है, पहले वो उस आदेश को पढ़ेंगे और उसके बाद ही इस पर कोई बयान जारी करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह के WFI के चीफ बनने के बाद कई पहलवानों ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मोदी सरकार हरकत में आई और मोदी सरकार ने